आस्तीन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तीन की लंबाई 9 इंच ली है। अब हमें आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर देना है। तो हमने आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर दिया है। अब इस डिजाइन को तैयार करने के लिए हम 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे ऐसे फोल्ड करके हमें आस्तीन पे यहाँ पे लगाना है। अब हम इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी। अब हम यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा आस्तीन का दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हमें ऐसी डिजाइन तैयार कर लेनी है। तो हमारी दोनों साइड की डिजाइन कंप्लीट हो चली है। अब 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। उस कपड़े के ऊपर हमें आस्तीन के कपड़े को ऐसे लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है। अब हम यहाँ पे सिलाई को स्टॉप करेंगे और आस्तीन के कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे और इसके दूसरे साइड में हम आस्तीन के कपड़े को ऐसे जोड़ लेंगे, जिससे दोनों साइड का हमारा आस्तीन का कपड़ा एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से धागे को कट करना है और नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेना है। अब हमें यहाँ से ऐसे तिरछी में चुनट बनाना है। ये एक और ये दूसरा चुनट। एक साइड में हमें दो चुनट बनाने हैं। अब हम इस साइड में दो चुनट बना लेते हैं। तिरछी में हमें चुनट बनानी है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को भी। ऊपर की साइड में भी हमारा हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद डिजाइन में हमें बटम लगा देने हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसे बटम लगाने हैं फ्रेंड। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसे बकरम की कटिंग कर लेनी है। डिजाइन की लंबाई 3 इंच है और डिजाइन की चौड़ाई 2.5 इंच है। इसे इस्त्री की सहायता से हमें कपड़े पे ऐसे चिपका देना है और सेम साइज का हमें दूसरे कलर का कपड़ा लेना है। कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है। अब जिस शेप में हमारा बकरम का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है और किनारे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो सिलाई के हल्के से बगल में हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है, सिलाई के ऊपर नहीं। अब हम इसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमें अच्छे से इसे सीधा कर लेना है और इसे सीधा करने के बाद हमें इसे इस्त्री कर देना है। और ऐसी फ्रेंड हमने ढेर सारी डिजाइन बना ली है। इस डिजाइन को तैयार करने के लिए हमें 3 इंच चौड़ा एक लंबा सा बकरम लेना है। बकरम को हमें कपड़े पे ऐसे चिपका देना है। बकरम की लंबाई आस्तीन की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। अब हमें डिजाइन को ऐसे हाफ फोल्ड करना है। यहाँ से तिरछी में हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए एक के बगल में एक हमें डिजाइन को इसी तरीके से फोल्ड करके लगाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुत ही इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें किनारे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है। तो हम ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे।
अब हम डिजाइन को उल्टा करेंगे और 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे हमें डिजाइन के ऊपर ऐसे लगाना है किनारे की साइड में। अब हम इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी। डिजाइन को सीधा करते हुए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है। कपड़े को फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए, कहीं ज्यादा चौड़ा और कहीं ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर देना है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस डिजाइन को आस्तीन के कपड़े में ज्वाइंट करना है। तो ये रहा हमारा आस्तीन का कपड़ा। आस्तीन के कपड़े में हम डिजाइन को ऐसे नीचे की साइड में लगाएंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।